बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको स्टूडेंट करने वाला हूँ आप वीवो फोन में इजी टच को कैसे ऑन करें, कैसे आप वीवो फोन में इजी टच को ऑन कर पाओगे, मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, जरा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इस वीडियो का लाइक आए हैं 50 लाइक करवाने हैं। मुझे पता 100% आप करवा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आता था। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके कुछ भी पूछ सकते हो। तो जहां पर आप करना क्या है, इजी टच को ऑन करने के लिए आपको चले जाना है फोन की सेटिंग। फोन की सेटिंग आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है नीचे यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी जहाँ पर लिखा होगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है इजी टच पर। इजी टच पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको करना है ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे आपके फ़ोन में यहाँ पर एक डॉट नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो फंक्शन है वो यहाँ से ऑन हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। तो जहाँ पर आपको इजी टच को जहाँ से ही बंद कर सकते हो जहाँ से ही उठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से ऑन हो जाएगा तो ऐसे ही यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ से इजी टच को ऑन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।